नमस्कार। अक्सर हम हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं और साथ ही उन गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में शर्म महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति ईमानदार हैं तो हमें गलती को एक्सेप्ट करने से डरना नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है कि उस वक्त अपनी गलती को मानना शायद थोड़ा कठिन लगे, क्योंकि अपनी गलती मानने में बहुत साहस की ज़रूरत होती है। क्या आपको पता है कि गलती को स्वीकार करने से हमें बहुत फ़ायदे भी होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, गलती को एक्सेप्ट करने से हम गिल्ट फीलिंग से बच सकते हैं। हो सकता है कि हमको गलती छिपाना ज़्यादा सेफ और ईजी लगे, लेकिन ये तय है कि हम अंदर ही अंदर अच्छा फील नहीं करते हैं और धीरे धीरे गिल्ट बढ़ता जाता है। लेकिन वहीं अगर हम गलती समय पर स्वीकार कर लेते हैं तो गिल्ट फीलिंग से बच सकते हैं। अक्सर हम अपनी गलती को छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं और फिर उस झूठ को छिपाने के लिए बहुत सारे नए झूठ बोलने पड़ते हैं। और वहीं अगर हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गलती स्वीकारने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि गलती स्वीकारने में हमें उतनी परेशानी नहीं होती जितनी गलती को छिपाने में हो सकती है। गलती को स्वीकार करने का एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर आप इस वक्त अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो फ्यूचर में ऐसी गलती करने से बच सकते हैं। एक्चुअली एक अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और अपनी गलतियों से सीखता भी है। गलतियों को एक्सेप्ट करना हमें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, क्योंकि हम पास्ट की गलतियों से जो गिल्ट फीलिंग लेकर चलते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल अफेक्ट होती है, जिससे हम हमारे फ्यूचर के गोल पर फोकस नहीं कर पाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, और जब हम परफेक्ट नहीं हैं तो गलतियां होना भी बहुत नॉर्मल सी बात है। इसलिए गलतियां स्वीकार करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, और गलतियों को स्वीकारना हमें विनम्र भी बनाता है, साथ ही सिचुएशन को ख़राब होने से भी बचाता है। इसलिए अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाए तो हिचकिचाएं नहीं, और साथ ही ये ध्यान रखें कि जो गलती एक बार कर चुके हैं उसे फिर से ना दोहराएं। और यह भी ध्यान रखें कि हर गलती माफ़ की जा सकती है अगर आप में उसे स्वीकारने का साहस हो। धन्यवाद।